दोस्तों, हम फेमिनिस्ट को भी दो मजबूत पैरों पर चलना जरूरी है। एक पैर एक्शन का, माशरे को बदलने के लिए, बराबरी लाने के लिए जमीन पर कुछ ना कुछ करते रहना, और दूसरा पैर रिफ्लेक्शन का, अपनी सोच अपनी समझ को हमेशा बेहतर बनाते रहना, गहरा और पैना शार्प बनाते रहना, क्योंकि बगैर समझे बूझे कदम उठा लेना हमें गलत तरफ ले जा सकता है। और सिर्फ सोचते रहना और अपनी थ्योरी को पुख्ता बनाते रहना मगर कोई कदम ना उठाना बेकार है। तो सोच में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए रोशनी पब्लिकेशंस कराची ने मेरी चार किताबें पब्लिश की हैं। चार छोटी छोटी किताबात हैं, व्हाट इज़ पेट्रियार्की, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, एक्सप्लोरिंग मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म इन साउथ एशिया। और इनको रोशनी ने एक कंपेंडियम में छापा है और उस कंपेंडियम का अच्छा नाम दिया है, फ्रॉम पेट्रियार्की टू इक्वालिटी फेमिनिज्म इन साउथ एशिया। तो दोस्तों, अगर रोशनी की और मेरी ये मेहनत थोड़ी सी भी मदद कर दे पाकिस्तानी फेमिनिस्ट्स को, जो औरतें हैं, मर्द हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, और समझ में थोड़ी सी बेहतरी हो, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। और इसके टाइटल से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम फेमिनिस्ट्स सिर्फ और सिर्फ बराबरी चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। हम पितरशाही के खिलाफ हैं, ऑब्वियसली मर्दों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और कसम से सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि हर घर में, हर माशरे में खुशियाँ होनी चाहिए, और सुकून और खुशियाँ बराबरी के बगैर हो नहीं सकती।